इसका लफड़ा मालिक तक पहुंच चुका है, इसे आप संभालिए। बहुत स्टाइल से आ रहा है, क्या लफड़ा है इसका? क्या लफड़ा कर रहे हो, यही पूछ रहा हूँ। अच्छा तो तुम इस कंपनी के मालिक हो? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। तुम्हें देखकर तुम अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे? मुझे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जी हाँ मालिक, आपकी कंपनी से रिटायर्ड होने वाले मजदूरों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे पता नहीं है रिटायर होने वाला है। मैं यहाँ नौकरी मांगने आया था, इसके साथ अन्याय हो रहा था तो मैं देख नहीं पाया। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस गरीब का हक इसे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी मालिक। नमस्ते। दामाद जी, ठीक से धोना इनको। इधर आइए काका। मालिक, इन्हें इनका पैसा दे दो। ओके सर। मैं चलता हूँ मालिक। तुम यही नौकरी करोगे, मैनेजर इन्हें काम समझा दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। यू आर ग्रेट, द ग्रेट मैन ऑफ गुड हार्ट। आई नो इंग्लिश। दामा जी, ये फैक्ट्री बिकवानी है क्या? हर रिटायर्ड होने वाले को इस तरह पैसा देते रहे तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। 58 साल तक यहाँ हर मजदूर को जिंदा रहना है, पर ये सतरा तो 56 में ही मरने की तैयारी कर रहा है। अरे यार, मुझे तो नौकरी मिल गई, शुक्रिया मालिक। बाय मालिक। माना जो धमकी दी थी ना, लगता है उसी से सब डर गए हैं, है ना हीरा? अच्छा, इस पे अपना नाम लिखो, बाप का नाम भी लिखना। यहाँ नौकरी मुझे करनी है, मेरे बाप को नहीं। अरे लिखना। देशमुख। लिखो। तुम्हारा नाम क्या है? जानता नहीं क्या? हीरा। लिखो लिखो। दामा जी, तुम हमारी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हो, इस बात से मैं ना नहीं कर सकता। उस बुड्ढे को पैसा देने के लिए कहा वो ठीक है, लेकिन उस गुंडे को जो नौकरी देने के लिए कहा, वही तो रॉन्ग फैसला। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया है। मालिक को हमेशा सबके सामने अच्छा ही बनकर रहना चाहिए। जो दुश्मन है उसे करंट लगा के मार दो, हादसे में मर गया तो किसी पे इल्जाम भी नहीं आएगा। इसे कहते हैं पैसे वालों का शातिर दिमाग। अरे रे 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 रे। तुम्हारे शातिर दिमाग को मान गया। मेरी कंपनी में ऐसे बहुत से हैं जो करंट के हादसे में मर चुके हैं। वाह मेरे लायक दामाद जी, ये सारी जमीन मेरे दादाजी की थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब बेच दी। ये क्या, रनिंग करने वाले तो सीधा दौड़ते हैं, ये तो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा है यार। कार को पीछा करते हुए पहली बार देख रहा हूँ यार। यार कमाल है यार, रेस की नई टेक्निक है क्या? मैडम आज इतना बहुत हो गया, बाकी कल करें। जरा घूमो। अच्छा अब इधर घूमो। तुम्हारे कपड़ों पर पेंटिंग थोड़ी कम लग रही है, मैं गाड़ी रिवर्स कर लेती हूँ, तुम फिर से भागना। ओके। क्या ये? What is this? गेम है। गेम है? गेम? हाँ गेम, वो भागता है तो मैं गाड़ी दौड़ाती हूँ, वो गिरता है तो मैं उसे पैसे देती हूँ। चोट लगी तो? चोट लगी तो पैसे दे दूंगी। टांग टूटी तो? टांग टूटी तो पैसे दे दूंगी। और मर गया तो? उसके बाद क्या दोगी? ज्यादा पैसे दूंगी। अब मेरा गेम देखो। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक कर रहा है। हीरा हीरा, दूसरे की मुसीबत में तू क्यों बीच में घुस रहा है यार? अब चुप कर। No, please don't damage my tire. Forgive me, please. This is my new car, please. अरे इसकी इंग्लिश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो कह रही है कि मेरे दो ही टायर क्यों फाड़े हैं? आप मेरे चारों टायर फाड़ डालिए, प्लीज। ओह ऐसा क्या, अभी फाड़ता हूँ। You stupid, my car. टायर वो फाड़ रहा है तो आप मुझे क्यों कह रही हैं? वहाँ जाकर गाड़ी संभालनी चाहिए आपको, वो टायर के बाद आपकी सीटें भी फाड़ देगा। अरे रे 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 रे, ये क्या, who you?
स्टूपिड यू ब्रूट हाउ डेयर यू व्हाट शुड यू लाइक टू दिस डैमेज। ये इंग्लिश बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने कहा कि टायर फाड़ने से ये बहुत खुश है, अब आप इसकी गाड़ी को बिल्कुल तोड़ डालिए। तुम्हारी उम्र भले ही कम हो पर तुम्हारा दिमाग बहुत शातिर है, इसलिए तुम्हें मालिक मालिक कहने में मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद मान चुका हूँ, इसलिए बिजनेस में उतरा हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके अपनी भतीजी से तुम्हारी शादी कर दो। सर, सर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस लौटा देता हूँ। ससुर जी, एक बार फिर से कहो। ससुर जी, मुझे शर्म आ रही है। मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं है, मैं तो आपकी लड़की से। तुम कुछ बोलते बोलते रुक गए हैं। हद तेरेगी, क्या है ससुर जी, आप मुझसे पैसे लेते हैं। अगर कह दिया होता कि मेरी लड़की को गाड़ी चाहिए तो टोयोटा, विदेशी कंपनियों की और भी गाड़ियां उसके लिए लाइन से खड़ी कर देता। क्या खड़ी कर देते, घर में शोरूम बनाना है क्या? उसके पास है टोयोटा। वो ऑटो से क्यों आई? अरे अभी अभी नई गाड़ी खरीदी है, पूछता हूँ कहाँ पे है। लता, कार कहाँ है? ये लीजिए। क्यों, गाड़ी सर्विस को दी है क्या? 50,000 रुपये? 50,000 रुपये किस लिए? चारों टायर्स को किसने फाड़ दिया? ये नए टायर का बिल है। क्या, कौन था वो? गुनेगार अपना फोटो और एड्रेस कभी किसी को नहीं देता। वो कौन था मुझे नहीं पता। करेक्ट पॉइंट। किसने ऐसा तुम्हारे साथ किया होगा ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मुझे क्या पता, मैं पांडू के साथ गाड़ी वाला खेल खेल रही थी। पता नहीं वो लोफर कहाँ से आया और उसने मेरी गाड़ी के चारों टायर्स फाड़ डाले। ये देखिए ना डैडी, उसने स्कॉट भी फाड़ दी। ये तो अच्छा हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। इनसे मिलो बेटा। शंकर, एक हफ्ते हमारे घर में ही रुकेंगे, जब भी तुम बाहर जाना इन्हें साथ में लेना, ठीक कहा ना? आपकी लड़की तो कब की जा चुकी है। लता, अरे रे, आज तो पगार नहीं मिलेगी हीरा। क्यों नहीं मिलेगी? सामने देख, पगार कौन दे रहा है? अरे यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता। भाई साहब, ये लड़की कौन है? ये मैनेजर की भतीजी है लता। लेकिन पगार ये क्यों दे रही है? फैक्ट्री के मजदूरों को अपने हाथ से पगार देने का इसे शौक है, इस बार बराबर पगार मिलेगी। हमें नहीं मिलेगी, अबे अब क्या किया जाए? मैंने तुझे पहले ही समझाया था, दूसरे की मुसीबत में टांग मत अड़ा वरना प्रॉब्लम होगी। तू नहीं माना, इसकी गाड़ी के चारों टायरों को तूने फाड़ डाला और ये कोई छोटी बात नहीं होती। तेरे चक्कर में अब मुझे भी पगार नहीं मिलेगी, देख लेना। अरे जल्दी दीजिए, भूख लगी है। तुम दोनों ने हेलमेट क्यों पहनी है? निकालो इसे। मैंने इसे पहले ही कहा था कि टायर को मत फाड़, मगर कभी ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। यह आवाज कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। अरे ये रजनीकांत की आवाज है, वो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है ना, चलो जल्दी से इसे पकड़ दे दो, जल्दी करो। नहीं, यह आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि टायर मत फाड़, ये मैडम पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भी जानती है। ए, वेल्डर को इधर बुलाओ। अबे वेल्डिंग करेगी क्या? इन दोनों के सर से हेलमेट निकल नहीं रही है, इसे काट कर निकालो।
मैडम, मैं निकल लेता हूं। आपको गलतफहमी हुई है, वो टायर फाड़ने वाला वो देखिए वो जा रहा है, वो भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, ऊपर करो, मुझे पकड़ लो ना। मुझे फंसा के तू हेलमेट में छुप के भाग रहा था, मारता क्यों है यार? अपना मुंह दिखा मैडम को, हेलमेट उतार। क्या नखरा है, डन। आपका मुजरिम आपके सामने है। तो तुम हो? यस। हमारे फैक्ट्री में काम करते हो? यस। तुम्हारी नौकरी भी गई और पगार भी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। देखो, बड़े लोगों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, हमने मेहनत की है, हमें हमारा पगार चाहिए, क्यों बैठी खाना? बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये उसूलों की बात है। बाहर की बात को अंदर क्यों ला रही है? बाहर टायर फाड़ा है, कपड़ा फाड़ा है, तो वो बाहर की बातें हैं। फिर भी आप अपना गुस्सा दिखा लीजिए, इसे पगार नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन मुझे तो दीजिए। जाए यहाँ से। इज्जत से हमें अंदर जाने दो। अच्छा, और नहीं जाने दिया तो क्या कर लेगा? ये सब क्या हो रहा है? मैडम को ही देने के लिए मैंने निकाल के रखा। अच्छा, कौन है ये? लेबर लीडर है, नौकरी पर आता ही नहीं, सिर्फ पगार लेने आ जाता है, साथ में दो और लोग लाता है और बोलता है उन्हें भी पगार दो। ऐसे कैसे दे देंगे, इन्हें तो हमने कभी देखा भी नहीं है। ए, अगर तुम्हें सही तरीके से पगार चाहिए तो काम करो, वरना गेट आउट। देखिए मैडम, आप इस मामले में टांग मत अड़ाओ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और हमें अपना काम करने दो। भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप लेबर लीडर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे हट्टे कट्टे, नहीं नहीं ऐसे ही कह रहा था, आप जैसे बहादुर लीडर के कारण ही और लोगों का नाम खराब होता है। आपका पगार देना समझ में आता है, लेकिन आपके चमचों को पगार देना। कौन है बे, मैं पीस के रख दूंगा। चुप रह, तू रहने दे, रहने दे, रहने दे। अब ऐसे चमचे लोगों को पगार दिलवाना तो गलत है ना? क्या कहा तूने? कहा क्या, इस वक्त मैं तुम्हारे फेवर में हूँ, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मुसीबत में आ जाओगे खड़े खड़े। मैं ऐसा करदा में नहीं चाहता और मेरा कोई शौक भी नहीं है, अब भी तो मैं समझा रहा हूँ। हम लोग जैसे मालिक के फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उसी तरह हमें उनके हर हुक्म को भी मानना चाहिए, समझ गया ना? तभी मालिक और काम करने वालों में एकता रहेगी। बेचारा ये तो गरीब का बच्चा है, इससे इतनी समझ का है? ठीक है मैं जाता हूँ, तेरा नाम क्या है? रजनीकांत। ए, चलो रे, बाद में देख लेंगे। वेल डन, कीप इट अप बॉय। कीप इट?